दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मार्स पर ब्लू सनसेट क्यों होता है? आपने हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए स्टार्स के बारे में तो काफी सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी डायमंड से बने हुए स्टार के बारे में सुना है? और क्या आप हाल ही में भारत के दो 10th क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों के द्वारा की गई अमेजिंग एस्ट्रोनॉमिकल अचीवमेंट के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं ऐसे ढेर सारे रोमांचक फैक्ट्स जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको ले जाने वाला हूं धरती से 53 लाइट ईयर्स दूर सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में स्थित व्हाइट ड्वार्फ स्टार BPM 37093 की सैर पर। इसका मास हमारे सूरज से 1.1 टाइम्स ज्यादा है और इसकी चमक हमारे सूरज से सिर्फ 0.001% है। पहले ऐसा माना जाता था कि ये स्टार भी बाकी के व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स की तरह कार्बन और ऑक्सीजन का बना हुआ होगा, जो हीलियम के थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन से बनते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्टार की डेंसिटी बेहद ज्यादा है। एंड जस्ट फॉर कंपैरिजन, अगर हम अपने सूरज के मास को श्रिंक करके धरती से 3 गुना ज्यादा छोटा कर दे तो ये उस स्टार की डेंसिटी के बराबर होगा। मतलब कि आप समझ गए होंगे कि ये कितना ज्यादा डेंस है। इंटरेस्टिंगली, इस स्टार का कोर टेम्परेचर सिर्फ 6600 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हमारे सूरज के कोर का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस माना जाता है। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इसकी कार्बन से बनी हुई कोर क्रिस्टलाइज हो चुकी है और डायमंड में बदल चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस स्टार के कोर में लाखों करोड़ों कैरेट डायमंड छिपा हुआ है। इस स्टार का नाम लूसी रखा गया है, जो द बीटल्स के फेमस एल्बम लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स से इंस्पायर्ड है। लूसी की खोज के बाद वैज्ञानिक ऐसे कई सारे क्रिस्टलाइज स्टार्स की खोज भी कर चुके हैं जिनके कोर में भी डायमंड छिपा हुआ है, और उनमें से कई सारे स्टार्स की कोर तो हमारी धरती से भी कई गुना ज्यादा बड़े हैं। मतलब कि यूनिवर्स में कितना पैसा है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग लैम्बोर्गिनी, पोर्शे और फरारी में बैठने के सपने देखते होंगे, लेकिन एक सच्चा एस्ट्रोनॉट पता है किस में बैठने के सपने देखता है? जरा स्क्रीन पर देखिए, ये है नासा के पहले मैंड मार्स मिशन का प्रोटोटाइप रोवर। समय समय पर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि नासा साल 2030 तक मार्स पर पहले इंसान को भेज सकता है, और साल 2017 में लॉन्च किया गया ये प्रोटोटाइप रोवर भी इसी का सबूत है। प्रोटोटाइप से मेरा मतलब है कि ये सिर्फ उस फ्यूचर में बनने वाले रोवर का सैंपल है जो टेस्टिंग के लिए बनाया गया है, और इसमें कई सारे चेंजेस भी हो सकते हैं। इसे 4 अगस्त 2017 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में 3 दिन के लिए रखा गया था। इसे नासा के इंजीनियर्स और फ्लोरिडा बेस्ड कंपनी पार्कर ब्रदर कॉन्सेप्ट्स ने बनाया है। इसका वजन करीब 2500 किलोग्राम है और इसमें टोटल 6 चक्के लगे हैं। अंदर से देखने पर यह आपको किसी कार के जैसा नहीं बल्कि किसी एयरक्राफ्ट के जैसा लुक देती है। इसके अंदर टोटल 3 सीट्स हैं, एक ड्राइवर के लिए, एक को पायलट के लिए और एक पीछे की ओर एक और एस्ट्रोनॉट के लिए। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये मार्स के एक्सट्रीमली लो प्रेशर और -153 डिग्री सेल्सियस के पोल टेम्परेचर को झेल सके। इसके आगे की ओर ब्लू कलर की LED लाइट्स लगी हुई है। वेट ए मिनट, ब्लू कलर ही क्यों? यहाँ हमारी धरती पर तो रेड या येलो कलर के लाइट्स का यूज किया जाता है, लेकिन मार्स पर ब्लू कलर क्यों? अब इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेना चाहिए। धरती, जिसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, यहाँ पर सनसेट येलो या रेड कलर का होता है, लेकिन वही मार्स, जिसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं, वहाँ पर सनसेट का कलर ब्लू होता है। एक्चुअली होता ये है कि धरती के एटमॉस्फेयर से होते हुए जब सूरज की किरणें यहाँ इसमें मौजूद बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से टकराती है, तो रेड, ऑरेंज और येलो कलर की लाइट्स, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा लंबी होती है, वो आसानी से उन डस्ट पार्टिकल को क्रॉस करते हुए हमारी आंखों से टकरा जाती है और हमें सूरज रेडिश येलो कलर का दिखता है, जबकि ब्लू कलर की लाइट रेस का वेवलेंथ छोटा होने के कारण ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, एंड फॉर दैट रीज़न आसमान हमें नीले रंग का दिखता है।
मार्स पर इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। वहाँ पे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल की साइज काफी ज्यादा बड़ी है और इसके लिए वो किसी भी लाइट को बिना स्कैटरिंग के जमीन तक आने ही नहीं देती। ऐसे में जो लाइट सूरज के डायरेक्शन से ज्यादा क्लोज रहती है, मतलब कि ब्लू लाइट, हमें उसी रंग का सूरज दिखता है और बाकी आसमान आपको थोड़ा येलो और रेड कलर का दिखेगा। दोस्तों, जब हम साइंस की दुनिया में अपना योगदान देने वाले किसी फीमेल साइंटिस्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है मैडम मैरी क्यूरी का। मैरी स्क्लोडोव्स्का क्यूरी का जन्म पोलैंड में हुआ था। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एक बार उन्हें एक औरत होने के कारण एक यूनिवर्सिटी ने एडमिशन देने से मना कर दिया था। मैडम क्यूरी वो एकमात्र इंसान है जिन्होंने दो बार नोबेल प्राइज जीता है और वो भी दो अलग अलग फील्ड्स में। पहली बार उन्हें साल 1903 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। ये नोबेल प्राइज दो हिस्सों में बांटा गया था। पहला हिस्सा था हेनरी बैक्यूरल का और दूसरा हिस्सा था मैरी क्यूरी और उनके पति पियर रे क्यूरी का। ये नोबेल प्राइज उन्हें रेडियो एक्टिविटी के बारे में की गई खोज में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था। दूसरा नोबेल प्राइज मैरी क्यूरी को साल 1911 में केमिस्ट्री में मिला था। ये नोबेल प्राइज उन्हें रेडियम और पोलोनियम की खोज और स्टडीज के लिए मिला था। अभी हाल ही में मार्च 2020 में रेडियो एक्टिव नाम का एक बायोग्राफिकल ड्रामा यूनाइटेड किंगडम में रिलीज किया गया है जो मैरी क्यूरी के लाइफ पर आधारित है। इसे मार्जान सत्रापी ने डायरेक्ट किया है और इसमें मैडम क्यूरी का किरदार रॉसमंड पाइक ने निभाया है, जिन्हें आपने इससे पहले रोमियो एंड जूलियट, स्काईलाइट और प्राइड एंड प्रीजुडिशियस में भी देखा होगा। दोस्तों, मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपको स्पेस में रोज उगाने के बारे में बताया था, याद है ना? अगर नहीं याद है तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देख लेना। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेस में खिलने वाले पहले फूल के बारे में। ये फूल था जिनिया और ये 16 जनवरी 2016 को खिला था। इसे हमारी धरती के चारों ओर घूमने वाले नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उगाया गया था। आपको बता दूं कि इस फूल को जमीन में लगाने में ही करीब 60 से 80 दिनों का समय लगता है, इसलिए स्पेस में इसे लगाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी ये आप खुद ही सोच सकते हैं। इससे पहले स्पेस स्टेशन में साइंटिस्ट ने रोमन लेटस लगाने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन जिनिया फ्लावर को लगाना एक अलग ही लेवल का टास्क था। वैसे क्या आपको पता है कि प्लूटो का कंप्लीट सरफेस एरिया रशिया से भी कम है? लेकिन एक चीज है जिसमें प्लूटो हमारी धरती से काफी ज्यादा बड़ा है और वो है प्लूटो का एटमॉस्फेयर। इसका एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना हुआ है। धरती की रेडियस करीब 6371 किलोमीटर है और इसका एटमॉस्फेयर इससे करीब 480 से 600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, लेकिन प्लूटो का रेडियस सिर्फ और सिर्फ 1188 किलोमीटर है, पर इसका एटमॉस्फेयर करीब 8500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब ये धरती के एटमॉस्फेयर से कम 14 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन हाँ, एक बात है जो हमारी धरती को सबसे स्पेशल बनाता है और वो है यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये हमारे सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में प्रेजेंट है। हमारी धरती सूरज से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस है, ना ज्यादा ठंडी और ना ज्यादा गर्मी। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ हमारी धरती ही नहीं बल्कि हमारा सोलर सिस्टम भी मिल्की वे के हैबिटेबल जोन में आता है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के गैलेक्टिक सेंटर से करीब 25,000 लाइट ईयर्स दूर है। अगर हम इससे ज्यादा करीब होते तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोलर सिस्टम के शुरुआती सालों में ही इसे डिस्ट्रॉय कर देता, और अगर हम ज्यादा दूर होते तो शायद आउटर स्पेस के फोर्सेस से नहीं लड़ पाते। मतलब यार, अगर आपका जन्म धरती पर हुआ है और आप एक इंसान हो तो आप ऑलरेडी काफी ज्यादा लकी हैं। दोस्तों, आखिर में मैं आपको बताने वाला हूँ गुजरात के सूरत में रहने वाली दो लड़कियों वैदेही वकारिया संजय भाई और राधिका लखानी प्रफुल भाई के बारे में। ये दोनों लड़कियाँ 10th क्लास में पढ़ती हैं। अभी बिल्कुल रिसेंटली 25 जुलाई 2020 को इन्होंने HLV-2514 नाम के एक एस्ट्रॉयड को खोज निकाला है जो आने वाले फ्यूचर में पृथ्वी के पास से भी गुजरने वाला है।
उन्होंने ऑल इंडिया एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन 2020 नाम के एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जो स्पेस इंडिया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन और टेक्सास की हार्डिन सीमंस यूनिवर्सिटी ने कोलैबोरेट करके ऑर्गेनाइज किया था। 2 महीने लंबे इस प्रोजेक्ट के दौरान उन्होंने इस एस्ट्रॉइड की तस्वीरों को हवाई के पैन स्टारर्स टेलीस्कोप से लिया था। इस दौरान सभी स्टूडेंट्स ने कई एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स और सॉफ्टवेयर्स का यूज किया था और धरती के पास आने वाले एस्ट्रॉइड्स की लाइव ट्रैकिंग भी की थी। मतलब जरा सोचिए, उन दोनों लड़कियों ने अपने स्कूल ईयर्स में ही क्या कुछ अचीव कर लिया है और भारत का नाम रोशन कर दिया है। वैसे क्या आपको भी कभी ऐसी कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट में अपनी स्टोरी जरूर बताना, और अगर नहीं तो बताओ यार, अगर आपको भी कभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? दोस्तों, अब आप भी अंतरिक्ष टीवी के ऑफिशियल मर्चेंडाइज खरीद सकते हो antarikshtv.in पर जाकर। और क्या आपको पता है कि अभी स्टॉक्स के प्राइस काफी कम हो गए हैं? जल्दी से जाके चेकआउट करो, और साथ में आपको वहां पर स्पेस से हटकर कुछ फंकी टी-शर्ट्स भी मिलेंगे, तो जाकर अपने मनपसंद के टी-शर्ट्स लेना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जाके इंस्टाग्राम में भी फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।